आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी को इस वीडियो में एथिनाइक अम्ल के बारे में बताएंगे। एथिनाइक अम्ल का सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। इसे सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है ग्लाइसल एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जो है सर्दियों के दिनों में सामान्य ताप पर जम जाता है, इसीलिए इसे हम ग्लाइसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसमें जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है और कार्बोक्सिलिक समूह को जो है हम सिंगल बॉन्ड COOH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एसिटिक अम्ल के 3 से 4 प्रतिशत बिलियन को जो है सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4 प्रतिशत बिलियन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल की जो है एथेनॉल से अभिक्रिया। जब हम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की जो है एथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो है एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। आप इस समीकरण के द्वारा जो है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया को देख सकते हैं। देखिए, ये जो है एसिटिक अम्ल है और ये एथेनॉल का सूत्र है। इन दोनों की अभिक्रिया जो है जब हम किसी अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है एस्टर और जो है जल की प्राप्त होती है। एस्टर का जो सूत्र होता है वह होता है CH3COOCH2CH3 होता है और इसी को जो है हम एथिल एसीटेट कहते हैं। अर्थात एथिल एसीटेट क्या होता है? एक एस्टर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एस्टर बनता है और एस्टर बनने की ये जो अभिक्रिया होती है इसी को हम जो है एस्टरीकरण कहते हैं। अब जो है एसिटिक अम्ल की जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। देखिए, जब हम एसिटिक अम्ल की जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो है हमें सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। सोडियम एथेनोएट का सूत्र जो होता है CH3COONA होता है और सोडियम एथेनोएट जो होता है एक प्रकार का लवण होता है। इसी प्रकार जब हम एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जो होती है किससे कराते हैं? सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो उससे जो है हमें जो है सोडियम एसीटेट की प्राप्त होती है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस समीकरण को यदि हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल के उपयोग। एथेनोइक अम्ल का उपयोग जो है अचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।